ये नीचे हावड़ा मुंबई मेल लाइन, इस पे अभी हम लोग गुजरने वाले हैं। और ये रहे हमारे लोकोस। अकोला वाली रैम। तो लगभग 2.5 घंटे के डीले के साथ सुबह 8:10 पे हम लोग घुस चुके हैं अकोला जंक्शन पर। तो 2 मिनट के हॉल के बाद हम लोग निकल चुके हैं। 5-10 मिनट रुकी है गाड़ी, और मेरे मामा आने वाले थे, पहुंच नहीं पाए, यहाँ पर खड़े। हवा एकदम आ गया है। ठीक है ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। मेरे मामा है वो, यहाँ पर अकल मेरे से। ओ थोड़ा सा नाश्ता लाए। वहाँ पर बहुत सारे डीजल लोकोमोटिव्स है। वो जो 40358 जो दिख रहा है वो डॉक्टर अम्बेडकर नगर यशवंतपुर एक्सप्रेस का है, वो यहीं पड़ा रहता है पूरा हफ्ते भर में। यहाँ कुत्ती के बहुत सारी ईएमडीज है। इधर Web7 भी है, और अकोला जंक्शन निकले सुबह सुबह। क्या बात कर रहा है ओरिजिनल लोग कैब वाला। 200056 WDP4। ओहो काफी दिन बाद दिख रहा है मेरे को ये ओरिजिनल कैब। एक और KGM का WDP40 है, दो KGM के पड़े हुए यहाँ पर। सही है। वैसे डॉक्टर अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस आती है कब, मेरे ख्याल से मंडे को आती है यहाँ पर। हाँ, और आज सैटरडे है, और 2-3 दिन पड़े रहेंगे। यशवंतपुर से आती है वो गाड़ी ट्यूजडे वेडनसडे को आती है, तो वेडनसडे से लेकर मंडे तक पड़े रहते हैं EMDs KGM के यहीं पर। उधर राइट साइड में जो लाइन है वो जा रही है आकोट की तरफ, और वो उसको एक्सटेंड किया जा रहा है और आगे इंदौर होते हुए। ये जो जयपुर हैदराबाद का जो मीटर गेज के टाइम पे जब चला करती थी गाड़ियाँ, तब ये आकोट वाली लाइन लेके धूलघाट होते हुए इंदौर वैसे होते हुए जाती थी रतलाम तक। तो अकोला से मैं बोल सकता हूँ, अकोला से रतलाम तक का रूट अलग था, पहले उस रूट से जाती थी ये गाड़ियाँ जयपुर हैदराबाद। एक बार वो रूट कम्प्लीट हो जाएगा तो होप सो ये गाड़ियाँ अपने ओरिजिनल रूट पे जाएगी मीटर गेज वाले। मीटर गेज के टाइम का रूट है वो। काजीपेट पुणे एक्सप्रेस, पुणे काजीपेट एक्सप्रेस, पुणे टू काजीपेट।
श्री क्षेत्र नर्सरी। श्री गजानन महाराज जी नगरी शेगाव भक्त निवास है, इधर इधर भक्त निवास है, ये भी है भक्त निवास। स्किपिंग शेगाव और यहाँ पर आई है नवजीवन एक्सप्रेस अहमदाबाद चेन्नई। गजानन महाराज की नगरी शेगाव। मेन लाइन पे फ्रीट खड़ी है, उस चक्कर में हम लोग लूप लाइन से स्किप कर रहे हैं नांदूरा को। यहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति फेमस है, ऐसे आपको साउथ में तो हर जगह मिल जाएगी बट महाराष्ट्र में बहुत कॉमन नहीं है वो, दिखेगा तो जमेगा तो दिखाता हूँ। तो महाराष्ट्र एक्सप्रेस आने वाली है रिवर्स डायरेक्शन में। नांदूरा उधर ही कहीं है मूर्ति, पहले तो दिख जाती थी रेलवे से बट शायद अभी बिल्डिंग्स वगैरह आ गई ना बीच में तो मुश्किल है। वो उधर है, वहाँ पर रही हनुमान जी की मूर्ति, दिख ही नहीं रही यार, पूरा एकदम व्यू ब्लॉक हो गया है अभी। महाराष्ट्र एक्सप्रेस तो सुबह के बज रहे 9:28 और हम लोग लगभग 2 घंटा 38 मिनट के डिले के साथ पहुंच चुके हैं मलकापुर। 2 hours 38 minutes ऑलमोस्ट लेट। दो मिनट के हॉल के बाद हम लोग अभी निकल चुके हैं मलकापुर से। नौ बज के 32 मिनट पे दो घंटा 40 मिनट का डिले हो गया।
धुआं निकाल रहे हैं यार एल्कोस। लूप लाइन से स्किप करते हुए वरन गांव को, ये भुसावल के पहले का आखिरी स्टेशन है और हमारी गाड़ी वैसे भुसावल को बाईपास करने वाली है। भुसावल नहीं जाती है गाड़ी, भुसावल जाती तो रिवर्स करना पड़ता, उसको अवॉइड करने के लिए भुसावल बाईपास लेती है। बहुत ही कम गाड़ियां लेती है भुसावल बाईपास वैसे। वरन गांव भुसावल के पास एक थर्मल पावर प्लांट भी है और ये वाली लाइन भी शायद उसी साइड वहीं जाती है, आगे से घूम के उधर उस साइड जाती है थर्मल पावर प्लांट की तरफ। तो यहाँ हमारी ट्रेन घुस चुकी है बाईपास लाइन पे, भुसावल बाईपास। वो सीधा लाइन जाती भुसावल जंक्शन की तरफ, लोग जिसको बाईपास कर रहे हैं अभी फिलहाल, और हम लोग बढ़ रहे हैं खंडवा भोपाल वाली लाइन पे, खंडवा इटारसी। यहाँ बाईपास पे ही कुछ देर तक खड़ी थी वैसे गाड़ी, 15-20 मिनट तक। वो रही उधर भुसावल खंडवा इटारसी मेन लाइन, जिस पे अभी हम लोग जाएंगे, जिसको ज्वाइन करेंगे अभी हम लोग।
ये रही ताप्ती नदी। ताप्ती नदी तो भुसावल तो हो गया भाई पास। अब अगला स्टॉप है हमारा खंडवा जो आता है एमपी में। तो कल रात से लेकर अभी तक हम लोग महाराष्ट्र में ही चल रहे हैं, अभी घुसेंगे एमपी में, एमपी के बाद राजस्थान आएगा। तो ये चार स्टेट कवर करती है हमारी ये गाड़ी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी और मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो अभी तो मैं जा रहा था सोने के लिए, थोड़ा थोड़ा नींद लेते रह रहा हूँ क्योंकि मेरा रात को भी ठीक से नींद नहीं हुआ, कल भी नींद नहीं हुआ था ठीक से, तो उतना ठीक से प्रॉपरली कवरेज नहीं कर पा रहा हूँ। जो मेन स्टेशन है वही दिखा रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। और अगली रही बात अगला तो खंडवा, तो खंडवा के बाद मैं सोच रहा हूँ आगे जाने का एकदम, तो थोड़ा मोबाइल भी चार्ज कर लेता हूँ तब तक। वन टेन कंटिन्यूसली कर रही है गाड़ी। और हम लोग वैसे इंटर कर चुके हैं अभी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र खत्म हो चुका है, मध्य प्रदेश आ चुका है। बुरहानपुर बुरहानपुर की स्किप हम लोग वहां पर खड़ी हुई जम्मू तवी पुणे झेलम एक्सप्रेस। असीरगढ़ रोड
चांदनी स्टेशन। यहाँ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं नेपा नगर और यहाँ पर बहुत देर से खड़ी है वैसे गोवा एक्सप्रेस, डिटेन हुई है यहाँ पर और वहाँ बुरहानपुर में वो डिटेन हुई थी झेलम एक्सप्रेस, वो अभी तक बुरहानपुर से निकली नहीं है और ये नेपा नगर में पड़ी हुई है। निज़ामुद्दीन वास्को गोवा एक्सप्रेस। बहुत जंगल वाला एरिया है यहाँ पर। दिल्ली के एस आर बेंगलुरु कर्नाटक एक्सप्रेस। Thank you.
हमारी ट्रेन की रेगुलर वाली काउंटर पार्ट 12719 जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस, उसको EMD था, हमें एल्को है। कोदड़ ये इधर से तैयार हो रही है नई लाइन जो कनेक्ट करेगी खंडवा और अकोला को, गुलघाट को थोड़ा बाईपास करेगी। वो पहले मीटर गेज थी जो आकोट में आप देखे थे ना, अकोला में जो आकोट वाली लाइन निकली थी वही कनेक्ट करेगी इसको। ये मीटर गेज हुआ करती थी पहले वो लाइन, अब उसको भी ब्रॉड गेज करने का काम चालू है। और ये जो हैदराबाद से जयपुर के बीच चला करती थी गाड़ियाँ मीटर गेज पे, वो यही वाला रूट लेती थी जो आप ऊपर देख सकते हैं। नहीं शायद इसका ट्रायल हुआ है नहीं हुआ है ना, याद नहीं हुआ। ब्रिज भी बनाया उसके ऊपर, वैसे घूम के आएगा वो। बहुत सारा पानी है यार, वो रहा वो रेलवे वाला ब्रिज, घूम के आती हूँ। कानपुर वेब 7 लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस, खचाखच बड़ी हुई है गाड़ी हमेशा की तरह। यहाँ पहुँचे हम लोग खंडवा जंक्शन पर 2.5 घंटे की डिले के साथ। पुष्पक तो खंडवा से मैंने लिया ये छोले चावल और अंडा बिरयानी, खाऊंगा आराम से। अभी पानी बॉटल भी लिया एक। तो यार खाने के लिए तो बहुत कुछ मिलता है, वड़ा पाव वगैरह हो गया, कचौरी समोसा, उधर अंडा बिरयानी वगैरह मिल रहा है, अंडा बिरयानी, छोले और राइस, बहुत सारा सामान मिल जाएगा यहाँ पर खंडवा जंक्शन पर। और निकल गए हम लोग 5 मिनट के हॉल के बाद। केले भी दिख रहे हैं मेरे को, समोसे ये सब ज़्यादा दिख रहा है। सुबह के टाइम अगर आती है ना गाड़ी तो यहाँ बढ़िया पोहे मिलते गर्मा गर्म। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो पहले मीटर गेज वाला प्लेटफॉर्म हुआ करता था उधर का,
इसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया है अभी, 5 नंबर प्लेटफॉर्म। इधर 3 और 4 को भी थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है। अच्छा, हरिद्वार एसी एक्सप्रेस, हरिद्वार मुंबई एलटीडी। कृपया ध्यान दीजिए, 1-2-1-7-2 हरिद्वार लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। तो ये सनावर वाली लाइन जो पहले मीटर गेज हुआ करती थी, इसका भी शायद ट्रायल हो चुका है और पता नहीं चलना चालू हुई कि नहीं गाड़ियाँ, लेकिन अब ये भी कनेक्ट करेगी सीधा उधर इंदौर को जल्दी। टाइम लगेगा थोड़ा सा उसको भी, और एक बार ये पूरा वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाए तो ये जो जयपुर हैदराबाद वाली गाड़ी है जिसमें से एक हमारी भी है जिसमें मैं डाल कर रहा हूँ, वो भी वो लाइन ले सकती है। ये जो स्पेशल गाड़ी है, ये स्पेशल गाड़ी को शायद डाइवर्ट करेंगे इन लोग, पहले रेगुलर वाली का तो रूट बन चुका है ऑलमोस्ट, स्पेशल वाली को करेंगे डाइवर्ट। से एक और लाइन आती है यहाँ से, यहाँ पर मिलती है, बेसिकली खंडवा बाईपास टाइप की लाइन है ये।
ये है इटारसी का जुजारपुर केबिन। वाली इटारसी बाईपास लाइन है जो नागपुर से आती हुई ट्रेन वो लेती है, इटारसी में नहीं रुकना है, वो साइड से निकल जाती है। वैप सेवन्स के साथ एक पार्सल वैन हुआ। नाइस 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 नाइस। ये पार्सल वैन जा रही है नागपुर वाली लाइन पे, पार्सल ट्रेन। और यहाँ हम लोग घुस रहे हैं इटारसी जंक्शन स्टेशन पर। ये फोर वे जंक्शन है, नागपुर से एक लाइन आती है, भुसावल से आती है, जबलपुर के लिए एक जाती है और एक भोपाल के लिए, जिस पे हम लोग जाएंगे अभी।